राइजिंग राजस्थान प्री टूरिज्म समिट पर्यटन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण कदम है। राजस्थान में पर्यटन का विकास डबल इंजन के साथ विकास की पटरियों पर सरपट दौड़ रहा है। रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में पर्यटन क्षेत्र को जीडीपी का महत्वपूर्ण घटक बनाने की दिशा में तेज गति से काम हो रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के लगातार प्रयासों के कारण राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट होने से पूर्व पर्यटन क्षेत्र में निवेश के लिए 142 एमओयू पर हस्ताक्षर होना, जिसमें तकरीबन 14,000 करोड़ का निवेश और 59,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार के द्वार खुलना अपने आप में महत्वपूर्ण घटना है। राजस्थान के पर्यटन के क्षेत्र में सुनहरा अवसर चल रहा है, और हो भी क्यों ना हो, क्योंकि इस समय दिसंबर में राइजिंग राजस्थान आयोजित होने वाला है, तो वहीं मार्च के अंदर आईफा अवार्ड आयोजित होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान के अंदर पर्यटन क्षेत्र में निवेश हो सके, इसके लिए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी निवेशकों को आकर्षित कर रही है। आने वाले समय के अंदर राजस्थान टूरिज्म को पंख लगने वाले हैं। पर्यटन क्षेत्र में निवेश के लिए आयोजित कार्यक्रम को राइजिंग राजस्थान प्री टूरिज्म समिट का नाम दिया गया। राइजिंग राजस्थान प्री टूरिज्म समिट पर्यटन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण कदम है। ये प्री टूरिज्म समिट अपने आप में इसलिए भी अहम है क्योंकि इसमें राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पूरे समय तक उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी प्रदेश के वित्त मंत्री भी हैं, साथ ही पर्यटन महकमा भी उन्हीं के जिम्मे है। ऐसे में दिया कुमारी हर संभव प्रयास कर रही है कि राजस्थान में पर्यटन को नए आयाम दिए जाए, जो कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करने में सक्षम हो। साथ ही जिस तरह से केंद्र सरकार को डबल इंजन की सरकार कहा जाता है, उसी तर्ज पर राजस्थान में पर्यटन का विकास डबल इंजन के साथ विकास के पटरियों पर सरपट दौड़ता रहे और आगे भी दौड़ता रहेगा। 142 एमओयू पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें से 14,000 करोड़ का निवेश, 59,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार, पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र को उद्योग का दर्जा का पूरा लाभ, पर्यटन क्षेत्र राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 12% का योगदान देता है। वित्त वर्ष 2023 में 179 मिलियन घरेलू पर्यटक और 1.7 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक राजस्थान आए। वर्ष 2022 में घरेलू के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की दृष्टि से राजस्थान 7वें स्थान पर रहा। 9 स्थानों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्मारकों की सूची में शामिल किया। प्री समिट के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निवेशकों को संबोधित करते हुए बेहद ही सरल शब्दों में पर्यटन को आगे बढ़ाने की परिकल्पना को समझाया। उन्होंने कहा कि पानी बिजली और सड़क का विकास के बिना पर्यटन का विकास संभव नहीं है। ऐसे में राज्य सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में पानी बिजली और सड़क का विकास शामिल है। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि 3 मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर अगर कर लिया जाए तो पर्यटन भी इसके साथ स्वयं ही विकसित हो जाएगा। क्यों घूम रहे हो आप, आइए लीजिए, हम तैयार बैठे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, ये आप निश्चित मान लीजिए, भले कोई छोटा उद्योग लगाए, 50 करोड़ का लगाए, 100 करोड़ का लगाए, 150 करोड़ का लगाए, लेकिन वो लगाएगा तो 10-20 लोगों को रोजगार भी देगा। क्योंकि मैं तो सिर्फ पर्यटक ही हूँ, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ दर्शन करके देख करके आ जाता हूँ। आप तो उस क्षेत्र में काम करते हैं, इसलिए आपका अनुभव बहुत बड़ा है। आप पर्यटन के क्षेत्र में जो काम करते हैं, आपके जो अच्छे अच्छे सुझाव हैं हमारी वेबसाइट पर भी डालिए, हमको ऐसे सुझाव आप हमारे पास पहुंचाइए, जिन सुझावों के माध्यम से हम राजस्थान की मजबूती के लिए काम कर सकते हैं। आपके ऐसे सुझाव जो राजस्थान को एक कदम बढ़ाने के लिए उपयोगी हो सकते हैं, क्योंकि हम ये नहीं मानते कि सारी बातें हम ही जानते हैं, कि हम जिस क्षेत्र में हैं वही लोग जानते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपका अनुभव बहुत बड़ा है, आप उस क्षेत्र में काम करते हैं, राजस्थान में निवेश करना चाहते हैं, हम किस तरह से करें। मैं आपके माध्यम से भी उन सभी ऐसे लोगों को आमंत्रित करता हूं कि अपने राजस्थान में आए, और हमारी जो कहावत है पधारो हमारे देश, वो आए राजस्थान में, पधारें, आए और अपने हिसाब से वो जितना निवेश करना चाहता है निवेश करें। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान पर्यटन को मुख्य धारा से जोड़ने के सूत्रधार है, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं,
कि उनका पर्यटन से गहरा नाता है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी स्वयं अपने स्तर पर पर्यटन के लिए संरक्षण और संवर्धन वाली पृष्ठभूमि से आती है। उन्हें पर्यटन क्षेत्र में आने वाली छोटी से छोटी समस्याओं के बारे में पता है, साथ ही वो जानती है कि समस्याओं को दूर करने के लिए पर्यटन आतिथ्य क्षेत्र से जुड़े स्केल होल्डर्स को किन किन विभागों के चक्कर काटने होते हैं। इसके साथ ही उन्होंने सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को मजबूती से लागू करने पर जोर दिया है। म्यूजिक फेस्टिवल्स हो, चाहे कल्चरल फेस्टिवल्स हो, हेरिटेज फेस्टिवल्स हो, हम लोग इस पे भी ध्यान देंगे कि कम से कम राजस्थान में एक या दो ऐसे बड़े इवेंट्स हो हर साल। तो माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल तैयार हैं और अभी बोल रहे हैं हाँ बिल्कुल करो। बड़े बड़े हमको इंटरनेशनल इवेंट्स करने हैं। राजस्थान ग्लोबल डेस्टिनेशन होना चाहिए। शादियों के लिए तो है ही, लेकिन अब हर चीज के लिए, कोई बड़ा म्यूजिक इवेंट हो रहा है तो राजस्थान में हो, कोई बहुत बड़ा फूड फेस्टिवल हो रहा है तो राजस्थान में हो, कोई और किसी कल्चरल इवेंट हो रहा है तो वो भी राजस्थान में। तो वो हम लोग प्रयास करेंगे कि हम ऐसा राजस्थान बनाएं जो प्रिफर्ड डेस्टिनेशन हो हर चीज के लिए, हर प्रकार के टूरिज्म के लिए राजस्थान प्रिफर्ड डेस्टिनेशन। तो आप लोगों के आशीर्वाद से, आपके सहयोग से और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम राजस्थान को हर प्रकार से नंबर वन बनाएंगे, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे प्रिफर्ड डेस्टिनेशन पूरे वर्ल्ड का, वही हमारा प्रयास रहेगा। राजस्थान को सब जानते हैं, राजस्थान की पहचान विश्व भर में, लेकिन अभी उसको और कैसे उसको निखार सकते हैं और हम लोग क्या ऐसा कर सकते हैं, नवाचार कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ सकते हैं, ये सब होगा राजस्थान। राइजिंग राजस्थान प्री टूरिज्म समिट के दौरान पर्यटन विभाग के सचिव रवि जैन ने राजस्थान के निवेश के अवसरों को दर्शाते हुए लघु वृत्त चित्र का प्रदर्शन किया। उन्होंने राजस्थान सरकार के मंशा विभाग की कार्यशैली को निवेशकों को समझाया। पर्यटन सचिव रवि जैन ने जिस तरह से टूरिज्म समिट की कमान संभाली और विभाग के आला अधिकारियों समेत जिस तरह से सभी कर्मचारी अपने कार्य को अंजाम दे रहे थे, वो किसी बिग इंडियन वेडिंग से कम नहीं था। आज जो मैंने सर आपको बताया है कि 142 जो MOUs हमारे हुए हैं, उसको अगर हम एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पर देखें तो 59,000 एम्प्लॉयमेंट वो 142 MOUs हमको दे रहे हैं। तो इट्स एम्प्लॉयमेंट वाइज अगर देखें, जो कि सर आपका एम है, आपका एम बिजनेस से भी ज्यादा ये है कि राजस्थान की जो आम जनता है उनको रोजगार मिले। तो ये बिजनेस एक तरह से यहाँ की जनता को रोजगार देने का एक मात्र बहुत बड़ा माध्यम रहेगा आने वाले समय में। हेरिटेज और लेजर टूरिज्म में राजस्थान हमेशा से नंबर वन रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो टूरिस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज है, बिकॉज ऑफ दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और भारतमाला कॉरिडोर, ये बहुत आने वाले समय में टूरिज्म का इन्फ्लक्स बहुत ज्यादा होने वाला है, फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। और ये जो SGST है, स्टेट GST, इसका भी 50% से 75% रीइंबर्सेबल है ओनली राजस्थान में। 35% डिस्काउंट ऑन बार लाइसेंस फी है एक्साइज पॉलिसी में। और हेरिटेज जो बिल्डिंग्स हैं, जो कि आप सब जानते हैं 1 जनवरी 1950 से पहले की जो भी प्रॉपर्टीज हैं, उन सब में विशेष एग्जेम्पशन है बार लाइसेंस पे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के नेतृत्व में राजस्थान टूरिज्म उस मुकाम और पर्यटन के सिरमौर वाले तबके को हासिल करेगा जिसकी वो हमेशा से हकदार रहा है। राजस्थान CM भजन लाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के प्रयास से पर्यटन के क्षेत्र के अंदर ज्यादा से ज्यादा निवेश हो सके, इसके लिए 142 MOU हो चुके हैं। करीब 14 करोड़ रुपए का निवेश होगा और वहीं 67,000 लोगों को रोजगार मिल सकेगा। ऐसे में कहा जा सकता है कि पर्यटन के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा निवेश हो सके, इसके लिए CM और उप मुख्यमंत्री दोनों प्रयासरत है। डबल इंजन की सरकार के द्वारा यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य हो पा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के पास पर्यटन विभाग है, वहीं वित्त मंत्री भी वो हैं। ऐसे में डबल इंजन की सरकार के चलते राजस्थान के अंदर पर्यटन के क्षेत्र को पंख लग रहे हैं। कैमरा पर्सन मुकेश मीणा के साथ मैं प्रमोद कुमार, सत्यवेदक जयपुर।